हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों? मैं भी एकदम मस्त। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ शनिवड़ा, मैच है वहाँ, फाइनल दिखाते हैं आपको आज शनिवड़ा का फाइनल मैच। अब पता नहीं किस चीज़ का है, तो मेरे को नहीं है पता कौन सी टीम पहुँची है फाइनल में, वहीं जाके पता चलेगा। गाड़ी से ऊपर को आ गया हूँ, अब पहुँचता हूँ खुड़ीगुन, जहाँ से हमारा पानी का कनेक्शन आता है। वैसे तो पानी शनिवड़ा से आता है, वहाँ से आता है शायद चामी से, एक फिर वही पाइपलाइन खिरमांडे को जाती है, वहाँ से नीचे को हमारे वहाँ को भी आता है। जो ऊपर ऊपर का पहाड़ दिख रहा है, इसके पीछे तरफ जाना है, इसके पीछे तरफ है फील्ड, बहुत चढ़ाई है ऊपर को, रास्ता भी अच्छा नहीं है, नीचे तो पूरा बांस का जंगल है यहाँ है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं शनिवड़ा, मेरे साथ है मनोज दा, ये भी बहुत क्रिकेट खेलते थे पहले, अभी भी खेलते हैं, परसों हमारी टीम में भी खेला था इन्होंने, बहुत रन बनाए, करीबन 55-56 रन बनाए थे, आउट हो गए थे रन आउट, उसके बाद भी हम जीत नहीं पाए। आज तो उसी फील्ड में फाइनल मैच है, दिखाते हैं आपको अब फाइनल। तो ये है दोस्तों विजेता के लिए कप, देख सकते हो आप। सकता है यहाँ पर तो दो खिलाड़ी जो बाहर से लाए आज घातक इलेवन के, अर्जुन और एक और अर्जुन लटवाल और शायद महेश हैं। चले अगली गेट डालेंगे अर्जुन, ओवर द विकेट, बल्लेबाज उनके सामने, ऑफ स्टंप पर ही गेट थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला वहां पर, हल्का एज लगा तेजी से आए और बिल्कुल रन का एक मौका नहीं था, लेकिन रन यहाँ पर तेज से लिया, एक और रन यहाँ पर चुराया, इसी रन के साथ स्कोर बताएंगे स्कोरर। गणेश बैठिए, आइए बैठिए। 69 रन, 69 रन स्कोर, तो बिल्कुल विकेट निकालने की डर करा रहे, अगर ये जोड़ी जम गई तो स्कोर एक तरफा मैच हो जाएगा, फिर दूसरी टीम के लिए बचता नहीं कुछ। चले गेंदबाज, ओवर द विकेट, इस बार पूरी गेंद थी, पैड पे लगी है, अपील कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा डिसीजन हो सकता था, स्टंप पर ये गेंद थी, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट मिला बल्लेबाज, आज किस्मत के धनी है। बिल्कुल कल भामा के पैंथर्स ने, भामा के चिताओं ने घातक गेंदबाजी की थी, बिल्कुल मैंने बताया था कि वो टीम वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल देखा होगा आपने, तो एक मोरक्को की टीम थी, नाम नहीं सुना होगा अपने फुटबॉल में, दिग्गजों को हरा दिया उन्होंने भी, सेमीफाइनल तक पहुंची और पुर्तगाल जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बिल्कुल शिकस्त दी थी उन्होंने, तो वही धमाका का भी प्रदर्शन रहा इस मैदान पे, घातक गेंदबाज उनकी टीम में सभी युवा है, बिल्कुल नाम कोई बड़ा नहीं था, एक से एक है। और दूसरी बात यह होती है पेस पर नहीं, मैं रोज कहता हूं पेस पर नहीं, टप्पे पर जाने इस मैदान पर, और लेग स्टंप पर एक और वाइट यहां पर भी, थोड़ा सा ज्यादा कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज, खैर पहली बार आए तो अपना गेम जरूर खेलें, और चाहते हैं उनके कप्तान अरमान बोरा की एक आध विकेट निकाले यहाँ पर, अगर ये ओपनिंग जोड़ी ज्यादा जम गई तो इसके बाद बल्लेबाजी तो 8वें 9वें नंबर तक उनके पास, और एक बड़ा स्कोर अगर बनता है तो फिर दूसरी पारी के मैं, मुझे नहीं लगता बने लगाव के अलावा कोई और चेस कर पाती है बड़ा स्कोर। चले गए बाज, इस बार ऑफ स्टंप पर ही गई, हल्का बल्ला लगाया और देखना होगा पोलार्ड वहां पर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की महेश पोलार्ड ने, और कप्तान ने बैकअप किया उनको, और एक रन शायद तब तक, और ये ना, तो हमारे साथ हमारे कमेंटेटर गणेश बोरा भी शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे गणेश का भी, और पढ़े लिखे अच्छे युवा है गणेश, इंजीनियर पेशे से, लेकिन चाहते हैं कि अपने गांव में ही कुछ करें, अपने समाज के बीच में, तो सीएससी सेंटर चलाते हैं खिरमांडे में, इस बार आग बंद करके खेला था और चूके वहां पर बिल्कुल एक दो रन, और यहाँ पर तो ये स्कोर इसी 6 के साथ 90 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि आखिरी की दो गेंदों के साथ अरमान राइट आर्म ओवर दी विकेट, लगभग 8 से 10 कदमों का रन उनका, अरमान इस बार बिल्कुल तपा आने बाद थोड़ी सी बिजी रही, आज तो थोड़ा सा गति से यहाँ पर बल्लेबाज को छकाया इस बार, तो स्कोर अभी भी 190 रन है 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि आखिरी गेंद का खेल से इस कमांडो 11 की इनिंग में अरमान राइट आर्म ओवर द विकेट अंकित के लिए, अरमान की ये गेंद बिल्कुल नीचे रहती, क्लीन बोल्ड इस बार कर दिया, तो विकेट के साथ समाप्ति होती है पहले इनिंग की, तो 4 विकेट गंवाने के पश्चात 190 रन बनाए हैं यहाँ पर कमांडो 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। तीसरा
17 37 पर और चौथा भी इसी स्कोर पर यानी विमर्शक जहाज चाहिए जो जिधर जिधर मजा दे। हरीश गजबाजी कर रहे हैं, अरमान के लिए इस बार खेला जरूर और रन के लिए नहीं गए, अब शायद हमें धोनी की स्ट्रेटेजी वहां पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम थैंक यू प्रदीप बोरा जी, दीप कुमार बोरा जी, हमारे क्षेत्र के हमारे गांव के भी सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग। कहते हैं ना कि या तो धना कुन्यून या रंगील शिन्यून, तो अगर बिल्कुल रंगील शिन्यून बिल्कुल यहाँ पर ये टूर्नामेंट कमांडो 11 के खाते में जाता हूँ। मनमोहन बताएंगे मैच के कौन जीता। मनमोहन तो बिल्कुल मैच समाप्त होता हुआ, तो ऑल टीम आउट हो गई है यहाँ पर घातक 11 नौकुना की 94 के स्कोर पर 94 बन जाए 93। तो इसी बीच अभी एक कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाना है, धन्यवाद गणेश बोरा और। तो दोस्तों मैच तो देख ही लिया होगा आपने, विश्व एकादश बेन्नाक की टीम ने फाइनल मैच जीत लिया है, टॉप टीम है विश्व एकादश की यहाँ अभी हो इस इलाके में। एक तरफा मैच हुआ, ऑल आउट हो गए थे, खिलाड़ी नहीं थे शायद नौकुना की टीम से, तो 94 रन में ऑल आउट कर दिए थे, 190 रन का लक्ष्य दिया था 15 ओवर में, बहुत बढ़िया खेला उन्होंने। ओपनर अर्धशतक मार के गए दोनों ओपनर उनके विश्व एकादश की टीम से। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, धन्यवाद।